इसके बाद नेक्स्ट जो बजट है बेसिकली नेक्स्ट बजट कौन सा होगा हमारा, बैलेंस बजट। बैलेंस बजट अदर टाइप्स में, और सेकंड है सरप्लस बजट, और थर्ड यहां पे आएगा डेफिशिट बजट। ये थ्री टाइप्स के बजट है जो अदर बजट में यहाँ पे काउंट होते हैं। अदर बजट के अंदर यहाँ पे काउंट होता है कौन सा, फर्स्ट है बैलेंस, सरप्लस, और थर्ड है डेफिशिट। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है, सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है, और डेफिशिट का बजट बजट का मतलब क्या मीनिंग यहाँ पे कंसिडर कराएंगे। तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस बजट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस बजट बेसिकली वो बजट कहलाता है जहाँ पे रेवेन्यू जो होगा, टोटल रेवेन्यू होगा वो टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल गवर्नमेंट का हो जाता है। कैसे, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू भी उतना ही अर्न करा जितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा, या एक्सपेंडिचर भी उतना ही करा जितना रेवेन्यू यहाँ पे आया है, यानी कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट का बैलेंस बजट कहलाता है, जहाँ पे टोटल गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल जो इनकम है, वो गवर्नमेंट की टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है, उसको हम यहाँ पे बैलेंस बजट कंसिडर करते हैं। सो बैलेंस बजट में क्या है, इन दिस गवर्नमेंट इनकम इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दे आर ऑल्सो नोन एज इक्वल बजट। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल बजट के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, दैट इज नोन एज इक्वल बजट। So balance budget refers to those budget in this government as total revenue is equal to total expenditure and it is known as equal, it is also known as equal budget. यहाँ पे equal budget के नाम से भी balance budget को जाना जाता है। Government ने suppose करते हैं कि government ने previous year के अंदर कितना expenditure करा, कितना revenue करा, previous year के अंदर 1700 करोड़ revenue करा, create करा टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस को लेकर, टैक्स के फॉर्म में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर, और नॉन टैक्स में अदर फीस, फाइन, पेनल्टीज, फाइन, सारे जो बेनिफिट्स हैं वो गेट करके टोटल रेवेन्यू 1700 करोड़ यहाँ पे क्रिएट करा। अब बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने उतना ही एक्सपेंडिचर, लगभग 1700 करोड़ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने इस ईयर में करा, जितना रेवेन्यू आया उतना ही एक्सपेंडिचर करा, तो दैट इज नोन एज बैलेंस बजट। दैट इज नोन एज बैलेंस बजट इन विच ऑल एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू ऑल टाइप ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद आता है सेकंड जो है वो सरप्लस बजट। सेकंड क्या है, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट के अंदर इंक्लूड क्या होगा, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट जब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, गवर्नमेंट की जो टोटल रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है वो उनके एक्सपेंडिचर से ज्यादा आ जाए, तो ये फेवरेबल या सरप्लस बजट कहलाता है। सरप्लस बजट में गवर्नमेंट के रेवेन्यूज गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है, तो उस केस में यहाँ पे गवर्नमेंट का सरप्लस बजट कहलाता है। सो इट रेफर्स टू बजट व्हेन इन कंपैरिजन टू एन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट इनकम इज एक्सेस, इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एक्सेस है, यानी कि ज्यादा है, इसको हम यहाँ क्या कहते हैं, सरप्लस बजट के नाम से जानते हैं। सो देयर इज टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड अ सरप्लस बजट। थर्ड इज डेफिशिट बजट, थर्ड इज नोन एज डेफिशिट बजट। डेफिशिट बजट इज द अपोजिट ऑफ सरप्लस बजट। अगर डेफिशिट बजट की बात की जाए तो डेफिशिट बजट सरप्लस बजट का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि जो गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यूज है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज है वो लेस देन या deficient in deficient from total expenditure. So it refers to those budget in this total revenue is less than total expenditure of a government. Yani ki government ne suppose karte hain ki government ne 1400 crore
रेवेन्यू जनरेट करा टैक्स और नॉन टैक्स के सोर्सेज को लेकर, टैक्स एंड नॉन टैक्स के सोर्सेज को यूज करके। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इस साल कितना 1500 करोड़ हो गया। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे 100 करोड़ की डेफिशिएंसी आ गई। तो दैट इज नॉन सफिशिएंट बजट। डेफिशिएंट बजट में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है उनकी रेवेन्यूज वो उनके एक्सपेंडिचर से कम होते हैं। सो इन दिस डिमांड फॉर इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, क्यों होता है एक्सपेंडिचर ज्यादा, क्योंकि डिमांड यहाँ पे एक्सपेंडिचर की ज्यादा आई है। प्लांट एक्सपेंडिचर, नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर या फिर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं यहाँ पे, इंक्रीज हो गए। सो डेफिशिएंट बजट में टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज इन कंपेरिजन टू टोटल रेवेन्यू। सो दैट इज नोन एज थ्री टाइप ऑफ अदर बजट। फर्स्ट इज बैलेंस बजट, सेकेंड इज सरप्लस बजट एंड थर्ड इज डेफिशिएंट बजट।